भाई, म्यूजिक तो आप सब लोगों ने सुना होगा, काफी तेज भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने म्यूजिक को कभी देखा है? यार हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। और क्या आपने कभी आग को म्यूजिक के इशारों पर नाचते देखा है? मतलब मैं एनिमेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो अपने ऑडियो लेवल्स दिखते हैं कंप्यूटर में या फोन में उसकी बात नहीं कर रहा, जो कि म्यूजिक ज्यादा होने के बाद ऊपर नीचे होते रहते हैं लेफ्ट राइट ईयर वाले। मैं बात कर रहा हूँ सच्ची मुच्ची की फायर का, यानी कि असली की आग क्या म्यूजिक के साथ में कंट्रोल हो सकती है? तो आज हम इसी चीज का टेस्ट करने वाले हैं और ये चेक करने वाले हैं कि क्या हम इस स्पीकर की आवाज से आग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि अगर म्यूजिक तेज बजा तो आग तेज हो जाएगी, अगर म्यूजिक कम बजा तो आग कम हो जाएगी, वैसे जो है पूरी वेव्स आएंगी। तो यही चीज टेस्ट करने वाले हैं और उसके लिए जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो भी काफी ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा क्रिएटिव भी है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिएगा। और हम ये वीडियो रात में शूट कर रहे हैं, जनरली हम दिन में वीडियो शूट करते हैं, बट अभी ये जो है हम आपको रात में अच्छे से आग दिखा पाएंगे, इसलिए रात में शूट हो रहा है। तो फटाक से शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें से आग जो है वो कंट्रोल्ड तरीके से निकल सके। और आग लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। लेकिन आप लोगों को कहूंगा कि भाई प्लीज वीडियो को देखो, लेकिन इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को ट्राई मत करना, क्योंकि यहाँ पर आग लग सकती है। LPG से हम डील कर रहे हैं बड़े ही ध्यान से, पूरी सेफ्टी के साथ में चीजें करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इस तरीके के पाइप का, ये एक लोहे का पाइप है 1.5 इंचेस का, यानी कि 1.5 इंचेस का। और इस पाइप में हमने ऐसे देखो होल्स कर रखे हैं 50 होल्स, हमने जो है देखो 2 mm यहाँ पर डायमीटर के 50 होल्स कर रखे हैं, कुल मिला करके हमने 2 mm के 50 छेद कर रखे हैं 1-1 इंचेस के गैप पर, यानी कि 50 इंच में 50 होल्स हो गए। और ये जो पाइप है लगभग 6 फीट का है। साथ ही साथ हमको जरूरत पड़ेगी रिड्यूसर्स की, ये है 1.5 से 2 इंचेस का और ये है 2 से 2.5 इंचेस का, यानी कि 1.5 को 2.5 में यहाँ पर ये सिस्टम बदल देगा, जिसके लिए हमको सिंपली एक पाइप का टुकड़ा दोनों के बीच में फंसाना पड़ेगा इस तरीके से, और ये जो है इधर फंस जाएगा। और अब ये जो 1.5 है ये 2.5 में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर ये जो है इसके एक साइड में लग जाएगा। अभी आपको समझ में भी आ जाएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो इसके बीच में गैप्स है काफी सारा, तो यहाँ पर हम लोग MC लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। तो गाइज ये जो सिस्टम है कुछ इस तरीके का बन चुका है, लेकिन ये वाली साइड अभी भी खाली है। तो यहाँ पर हम लोग एक एंड कैप लगाएंगे, यानी कि इस तरीके की जो टोपी होती है वो लगाएंगे, बीच में हमने खोल कर रखा। अभी आपको बताता हूँ क्या करेंगे उसका। तो इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसको भी MCL की हेल्प से लगाएंगे और उसके बाद में इसके ऊपर पेंट भी कर देंगे, क्योंकि यार अभी देखो इसके ऊपर जंग सी लगी हुई है और ये कंटिन्यू मेरे हाथों में लगी जा रही है। तो यहाँ पर है MCL, इसको लगाते हैं पहले यहाँ पर और अब होगा जादू। मतलब जादू तो कुछ नहीं होगा, ये इससे चिपक जाएगा। तो गाइस फाइनली हमने सारी चीजें रेडी कर ली है और आपको एक बार बता देता हूं कि भैया हमने क्या क्या किया है। तो यहां पर हमने 1.5 इंच का पाइप लिया, इसमें हमने 50 होल्स किए 1-1 इंचेस के ऊपर, हमने एक एंड के ऊपर देखो रिड्यूसर्स लगा करके इसको चौड़ा कर दिया है आगे, दूसरे एंड पर हमने एंड कैप लगाई है, उसमें इस तरीके से एक होज फिट करी है जिसमें LPG गैस आती है और इस होज को हमने इस सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम इसको खोलेंगे यहां से तो जो गैस है वो इस पूरे पाइप के अंदर आ जाएगी इस वाल्व को खोलते ही। तो इधर से तो पूरा क्लोज्ड है सिस्टम, यहां पर हमने MCL भी लगा दी, लेकिन ये वाला जो एंड है ये अभी भी खुला है, देखो इसमें मेरा हाथ घुस पा रहा है, यहां पर फिलहाल कुछ नहीं है। तो यहां पर हम एक बलून लगाएंगे और इस बलून को पहले हमको काटना पड़ेगा। और गाइज ये जो बलून है ये काम करेगा डायफ्राम का, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई डायफ्राम हो सकता है। तो यहां पर ये जो है कुछ इस तरीके से फिट आ गया है और भाई LPG के प्रेशर से ये ना निकले, इसके लिए कुछ रबर बैंड्स को भी इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि ये इसमें बढ़िया से फिक्स हो जाए। तो अब देखो एकदम मस्त हो गया ये, और अब जो पूरा मामला है वो यहां पर सेट हो चुका है। सिंपली इस पूरे जुगाड़ को इस स्पीकर के एकदम पास करना है ताकि उसमें जो है बढ़िया से आवाज आ सके, और अब स्पीकर को चालू करना और फिर देखते हैं कि क्या कमाल होता है। तो सबसे पहले जो LPG है मैं उसको चालू कर रहा हूं, यहां से LPG जो है इसके अंदर सप्लाई जा चुकी है, वॉल्व को खोलते हैं, मेरे को लाइटर दे दो, लाइटर कहां पर है। और अब जो है मैं इसको ऑन कर देता हूं,
और भाई फिर से बता रहा हूँ, एलपीजी काफी डेंजरस हो सकती है, प्लीज। हाँ हो गया हो गया हो गया, देखो अभी काफी कम एलपीजी आ रही, बढ़ा दूंगा तो हो सकता है पूरा जल जाए, ठीक है। वाओ गाइज क्या बात है। तो गाइज अब जो है एकदम शानदार नजारा यहां पर दिख रहा है, और एक चीज आप देखो कि यहां पर जो सारे के सारे होल्स हैं उनमें से जो एलपीजी निकल रही है उनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट बराबर, एक बार सारे दिखाओ एक साथ देखो, जो पूरा का पूरा जो लेवल है वो एकदम बराबर सा है, और ये जो है कंटिन्यू जल रहा है। और इसका रीजन दोस्तों ये है कि हमने दो दो एमएम के होल किए हैं, और सारे जो होल हैं वो एकदम बारीकी से एकदम प्रिसीजन से किए गए हैं, इसलिए आप देख सकते हो कि ये बर्नर की तरह जल रहा है। लेकिन अब बारी है कुछ म्यूजिक बजाने की, और देखते हैं क्या धमाल होता है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि अगर हम उस डायफ्राम को टच करें तो क्या होगा, क्योंकि भैया यहां से सब कुछ होने वाला है, तो देखते हैं क्या होगा। वाह वाओ गाइस, यहां पर जो है यहां से लेकर यहां तक के तो जल रहे थे और ये बुझ गए, तो देखना पूरा एक वेव जाती है, देखना हल्का सा टच करने पे, देखो गाइस क्या बात है। और अब मुझे उम्मीदें जग रही है यहां पर कि कुछ ना कुछ मजा तो जरूर से आने वाला है, देखना। देखो अगर मैं इस पे टैप करता हूं तो उसकी वजह से पूरा जो है ऐसे ऐसे करता है, तो गाइज अब देखते हैं क्या मजा आता है। और आप लोग इस चीज के लिए भाई प्लीज अभी की अभी लाइक दबा दो यार, दबा दो, कर दो लाइक, ठोक दो। तो अब जो है कुछ म्यूजिक इसमें बजाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। भैया ये मैंने गाना बजाया, गाइस देखना इसको रोकूंगा अभी मैं, ये देखो जैसे ही हमने बंद किया पूरा का पूरा एकदम स्टेबल रहता है, और जैसे ही मैं गाने को ऑन करूंगा देखना, ये देखो वाह। तो गाइस क्या बात है यार, यहां पर जो है ज्यादा देर हम इसको नहीं बजाएंगे। देखो जो म्यूजिक है उसके साथ में पूरा अप डाउन हो रहा है, और जैसे ही मैं रोकता हूँ सारा का सारा जो है एक लेवल में यहाँ पर दोस्तों खड़ा हो जा रहा है सारी चीजें। तो अब एक काम करते हैं भैया, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पर आते हैं क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन है, गेट खोल दो भाई, क्या बात है। एकदम मजेदार है, बहुत बढ़िया। हाँ बस ठीक है, चलने दो। ऑफ होने के बाद में अब जो नजारा है वो और भी जबरदस्त हो चुका है, लाइट बंद करने के बाद में अब जो नजारा है वो और भी गजब हो चुका है। अब आप लोग देखो कि यहां पर सिर्फ इसकी रोशनी है, और अब आप लोग नजारे का मजा लो। ये देखो अभी वॉल्यूम फुल नहीं है, वॉल्यूम फुल करूंगा मैं अभी। क्या बात है, जैसे ही म्यूजिक रोकेंगे पूरा फिर से एक लेवल में हो जाएगा। ये मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूं कि हम जो है यहां पर कोई ट्रिक वगैरह नहीं यूज कर रहे, ये सब कुछ सिर्फ इस डायफ्राम से हो रहा है। देखना जैसे म्यूजिक बजेगा, और इस वीडियो में कोई भी म्यूजिक एक्स्ट्रा एडिट नहीं है एडिटिंग में, ये जो है जो कुछ आपको सुन रहा है वो सिर्फ नेचुरल म्यूजिक है। देखो इसकी जो सरसराहट है वो भी सुनेगी आपको क्योंकि वो नेचुरल है। तो यहां पर मैं बजाता हूं इसको, क्या बात है भैया, क्या बात है। जब बीट आती है तो ये बड़ा ही जबरदस्त बजता है, बीट आते ही पूरा मस्त हो जाता है। अब देखना मिटाएगी, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, देखना अब देखना आएगी मिटाएगी, बीट आ जाओ रोकते हैं पूरा एक लेवल में। और यहां पर ये जो है भाई देखो कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है, क्योंकि हमने यहां पर ये स्टील के पाइप का यूज किया है, लोहे के पाइप का यूज किया है, इसकी जगह प्लास्टिक का पाइप यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो जो पाइप है ना वो वैसे ही पिघल जाएगा क्योंकि ये काफी गर्म है, अभी भी ये काफी गर्म हो सकता है, इसको टच नहीं करना। मैसेज आया ना तो भी ऐसे मेरे को कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो ये जो है ऐसे ऐसे कर रहा है। देखो एक बार फिर से प्ले करते हैं, पेड़ों पे बहारे फूलों की राहों में पतारे फूलों की।
गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहां पर कितना जबरदस्त तरीके से ये जो चीज है काम करती है। यार सच्ची में ये जो कुछ चीज बनी है ये बड़े ही कमाल की एकदम सैटिस्फाइंग वाली चीज बनी है। तो गाइस इस चीज के लिए और हमारी मेहनत के लिए कि हमने ये चीज बनाई है और वो इतना बढ़िया से काम करी है, उसके लिए प्लीज एक लाइक जो है वो जरूर से इस वीडियो के लिए दे दीजिए। मैं इस लाइक को आपका गिफ्ट समझूंगा और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस बनाने के लिए इससे भी ज्यादा और मेहनत हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और मजेदार वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी के भी कर लो, लाइक तो ठोक ही दो, नहीं ठोकाया तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।